Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today we make pizza without cheese in lockdown. So let's get started. In a saucepan, एक saucepan लेंगे, उसमें हम डालेंगे घी या फिर बटर आपके पास जो है वो यूज़ करें. मैंने घी डाला है, यहाँ मैंने 2 or 3 टेबल स्पून घी लिया है. घी को करेंगे अच्छे से मेल्ट. वैसे भी गर्मी आए तो घी तो मेल्टेड ही रहता है. घी अच्छे से मेल्ट हो गया. अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून अपनी मैदा डाल दूंगी एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इसको हमें अच्छे से भूनना है. देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा घी और ऐड करके इसको अच्छे से भूना है तो कुछ इस तरीके का हो गया ये. इसको और भूनेंगे 2-3 मिनट ताकि मैदा का जो कच्चापन है वो बिल्कुल हट जाए. मैदा बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए, अगर जल गई तो आपकी सॉस का टेस्ट एकदम खराब हो जाएगा. अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे. सो यहाँ मैं मिल्क ऐड और इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे ताकि कोई भी लम्स ना पड़े. इसका फ्लेम मैंने हाई कर दिया है. देखिए बॉईल हो रहा है और एकदम ठीक हो गया है. मैं और मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें, थोड़ा सा 1/2 कप और मिल्क ऐड कर दिया है मैंने. अब इसको अच्छे से बॉईल करेंगे और इसको अच्छे से थिक करेंगे. अब मैंने ये विस्क कर लिया है. अब थोड़े से लम्स हैं इसमें तो इसीलिए मैं इससे चलाऊंगी फटाफट से तेज तेज. देख सकते हैं सॉस एकदम थिक हो रही है. अब इसमें 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. अब इसमें हम 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. इसमें चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो ऐड करेंगे. यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किया 1 टेबल स्पून एंड ओरिगेनो अब करूँगी 1 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. अगर आपके पास पिज़्ज़ा मिक्स्ड पिज़्ज़ा हर्ब्स है आप वो भी ऐड कर सकते हैं. मेरे पास यही अवेलेबल है अभी तो मैंने यही ऐड किया है, लेकिन इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है. अब इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे. लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि गैस का फ्लेम हाई है और फिर सॉस नीचे से जल जाएगी सॉस पैन में. अब देख सकते हैं कितनी थिक हो गई है. ये बिल्कुल चीज़ का काम करती है पिज़्ज़ा पे. सॉस रेडी है तो चलिए एक बाउल में इसको निकाल लेंगे. तो आप देख सकते हैं कितनी थिक सॉस है एंड बहुत टेस्टी लग रही है ये.
अब एक पिज़्ज़ा बेस लेंगे। यहाँ मैं माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ, तो ये माइक्रोवेव स्टैंड लिया है मैंने। अब इस पिज़्ज़ा बेस पे हम लगाएंगे सबसे पहले घी, और बटर है तो बटर लगा दीजिए आप, घी है घी लगा दीजिए। सो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ मैं थोड़ी सी और पिज़्ज़ा सॉस लूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा सॉस अगर ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा खाने में बहुत मज़ा आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है उससे। आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, मैंने रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस लिया। ये अच्छे से लग गई है, अब हम इस पे अपनी व्हाइट सॉस डालेंगे जो हमने रेडी की थी चीज़ की जगह। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है, एंड इसको अब अच्छे से फैला देंगे, और ज़रूरत पड़े तो और भी आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिया है कैरेट, आपको डालना है तो डालिए, ऑप्शनल है, और कैप्सिकम, अनियन, ये 3 वेजिटेबल्स लिए हैं क्योंकि ज़्यादा यही अवेलेबल रहती हैं घर में, तो मैंने यही लिए हैं। अगर आपके पास कॉर्न्स वगैरह हैं तो आप डाल सकते हैं। अब पिज़्ज़ा एकदम रेडी है, तो चलिए अब इसको माइक्रोवेव करते हैं। ये पिज़्ज़ा को रख दिया है, अब हम इसको कन्वेक्शन मोड पे लगा के पिज़्ज़ा पे लगाएंगे, पिज़्ज़ा मोड पे, एंड इसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, तो यहाँ मैंने 7 मिनट का लगा दिया था टाइम। यहाँ पिज़्ज़ा एकदम रेडी है, लग रहा है बिना चीज़ का, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा, मैंने इसको कट कर लिया है। ये बहुत फ्लफी, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बना है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, एंड एंजॉय दिस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। बाय।